मौसम को लेकर मौसम विभाग का बड़ा अपडेट। देश के इन राज्यों में फोग अलर्ट, दिल्ली यूपी में भी कोहरे की धुंध। दिल्ली, पंजाब, यूपी, हरियाणा और बिहार, राजस्थान समेत देश के कई इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है और अगले एक हफ्ते तक इन राज्यों में मौसम जो है वो शुष्क रहेगा। इस बीच पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से कुछ राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। वही गंगा के मैदानी इलाकों में कोहरे का सितम बढ़ने लगा है। वही राजधानी दिल्ली में गंगा के मैदानी इलाकों में राजधानी दिल्ली भी आता है। यहाँ पर कुछ दिनों तक से यहाँ पर कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है। वही दिल्ली में तापमान में मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 और अधिकतम 25 के आसपास रहने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। वही यूपी की राजधानी लखनऊ में भी आज जो है सुबह के वक्त धुंध और बाद में यहाँ पर आसमान मुख्यतः यहाँ पर धुंध के बाद जो आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 24 के आसपास रहने को मिल सकता है। वही सप्ते लखनऊ में न्यूनतम तापमान 2 पॉइंट की बढ़त उसमें देखने को मिल सकती है। नोएडा की बात की जाए तो यहाँ भी मौसम सामान्य रहेगा। यहाँ पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और यूपी में यहाँ पर कई इलाकों में तापमान में जो है गौर में गिरावट देखने को मिल सकती है। वह अधिकतम तापमान 24 के आसपास रहने के आसार है। वही मौसम पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी जो है स्काईमेट वेदर, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक लक्षद्वीप में आज हल्की मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार है। वही तमिलनाडु और केरल, तटीय कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश और पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और पूर्वोत्तर के ज्यादातर इलाकों में जो है बारिश की संभावना जताई गई है। वही मैदानी जो इलाके हैं गंगा के मैदानी इलाकों में यानी हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों में, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में कोहरे की संभावना यहाँ पर जताई गई है। यानी ज्यादातर इलाकों में कोहरा जो है वो देखने को मिल सकता है। वही बिहार में जो है लगातार तापमान में भी गिरावट हो रही है। आगामी दिनों में बिहार के कई इलाकों में तापमान में गिरावट होने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग की ओर से तापमान में गिरावट की बात यहाँ पर कही गई है। वही फिलहाल बिहार के ज्यादातर इलाकों में जो है कोहरा जो है वो परेशानी जो है बढ़ा रहा है। बिहार में यहाँ पर तापमान गिरने के साथ ही कोहरे में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।